लंच ब्रेक में बात किसान आंदोलन की, क्योंकि बातचीत का जो समय है वो नजदीक आता जा रहा है और आज जब किसान सरकार के साथ आमने सामने टेबल पर मौजूद होंगे तो देखना यह होगा कि 35 दिनों से चला आ रहा ये आंदोलन खत्म होता है या नहीं, किसी बात पर सहमति बनती है या नहीं। 2:30 बजे का ये समय था बातचीत का, किसान रवाना हो चुके हैं और इस बीच तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, मीडिया का भी वहां पर जबरदस्त जमावड़ा। 2:00 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार और किसान एक और दौर की बातचीत के लिए बैठेंगे। किसानों का जत्था बातचीत के लिए विज्ञान भवन पहुंच चुका है। अब बड़ा सवाल यही कि क्या आज कृषि कानून पर सरकार और किसानों के बीच जो ये एक टकराव की स्थिति आ गई है ये खत्म होगी या नहीं। सरकार उम्मीद कर रही है कि आज किसानों के साथ सार्थक बातचीत होगी और समाधान निकलेगा। आज तक से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने आज हल निकलने की उम्मीद भी जताई है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता भी इस वक्त जुड़ रहे हैं, जितेंद्र हमारे साथ मौजूद है विज्ञान भवन पर ही। जितेंद्र, अभी क्या स्टेटस है वहां पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किसानों का वहां पहुंचना तो शुरू हो गया है। बिल्कुल मीनाक्षी, यहाँ पर जो किसान नेता हैं वो विज्ञान भवन पहुंच गए हैं लगभग 1 घंटे पहले। यहाँ पर सारे जो किसान नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि विज्ञान भवन के बाहर सारे किसान नेताओं की यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और ये लोग अब से थोड़ी देर बाद यहाँ अंदर जाएंगे विज्ञान भवन के। किसानों की तरफ से बस में जो हमारी बातचीत हुई है उनका ये कहना था कि वो लोग यही चाहते हैं कि तीनों जो कृषि कानून हैं उनको वापस लिया जाना चाहिए। साथ ही उनकी तरफ से जो 4 मुख्य बिंदु रखे गए हैं, जो एजेंडे रखे गए हैं, उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो एमएसपी के लिए गारंटी कानून ये भी बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने पराली के लिए जो कानून बना है और दूसरा जो बिजली का विधेयक है उसको लेकर के भी बातचीत करने के लिए उन्होंने अपने एजेंडे में सारी जानकारी दी थी। अब सरकार की तरफ से जो 2 बजे यहां पर बैठक होगी उस बैठक में इन बिंदुओं पर बातचीत की जाएगी, क्योंकि सरकार ने ये संकेत दिए हैं कि खुले मन से सरकार बातचीत करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ जो सरकार के मंत्री हैं उनकी इससे पहले भी बैठक हो चुकी है, केंद्रीय गृह मंत्री के साथ पूरा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी जिसमें कृषि मंत्री भी शामिल थे, निर्मला सीतारमन भी शामिल थे, पीयूष गोयल भी शामिल थे। तो उस बैठक में भी तमाम विषयों पर चर्चा की गई है। अब किसान नेता यहां पर पहुंच चुके हैं विज्ञान भवन में और यहां की बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि पिछले 6 बार की जो बैठक यहां पर हुई थी उस बैठक में किसी भी तरीके का नतीजा नहीं निकला था। आज 7वें दौर की ये बैठक है और इस बैठक में अगर किसान नेता कुछ एक दो स्टेप आगे या पीछे बढ़ते हैं तो उससे जो डेडलॉक बना हुआ है तीनों कृषि कानून को लेकर के, ये जो पीछे रद्द करने की मांग कर रहे हैं उस पर एक समझौता बन सकता है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।